नेक्स्ट जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो सेंटर पे एंगल बनता है थीटा, उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और जो कि कैसे कैलकुलेट हो सकती है? आर्क बाय रेडियस से। और अगर मैं एंगुलर स्पीड की बात करता हूँ तो ये डायग्राम देखना, ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। यहाँ से देखेंगे एक ही फॉर्मूला, ओमेगा क्या होता है मैंने बताया हुआ है, डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल या डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। ऐसे हमने क्या किया हुआ है, टाइम पीरियड और ओमेगा का क्या रिलेशन होता है? ओमेगा इज 2π बाय कैपिटल टी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाय टाइम पीरियड। और एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, तो ये केस हमने किया हुआ है कि लेट अस सपोज एक बॉडी यहाँ पे थी, फिर यहाँ पर आ गई, उसकी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल कितनी है? डेल्टा आर। और ये कितना है? डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। और ऐसा कितनी देर में हुआ? यहाँ पर टाइम टी था, यहाँ टी प्लस डेल्टा टी है, तो टोटल टाइम टेकन यहाँ से यहाँ कितना है? डेल्टा टी। और जिस डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई? डेल्टा आर। अब मुझे पता है ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होता है, या डेल्टा थीटा क्या होगा? ओमेगा इंटू डेल्टा टी होगा। अच्छा, एंगल इज आर का बाय रेडियस से, आर कितना था? डेल्टा आर, और रेडियस कितना है? आर। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा आर की वैल्यू आ गई आर इंटू डेल्टा थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से, और डेल्टा आर इज आर इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा ये उठा के इसकी जगह पुट कर देंगे, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है? ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ये देखो डेल्टा आर लिख लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा थीटा की जगह ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा आर और डेल्टा टी को डिवाइड कर दो, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी वी होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा की वैल्यू कैन बी सॉल्व। ठीक, उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन के केस में किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी है, अगले इंस्टेंट बहुत थोड़ा सा, ये काफ़ी दूर बना दिया, रादर ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज होना चाहिए था जैसे मैंने क्लास में कराया था, तो ये वी प्लस डेल्टा वी होता है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे बनाना चाहता हूँ, ये डायग्राम की बजाय इस तरीके से देखते हैं, सच दैट अगर सपोज करो ये एक बॉडी है और मान लो दिस इज वेलोसिटी वी वेक्टर, तो अगले ही इंस्टेंट पर वेलोसिटी, ये वी वन वेक्टर है, ये वी टू वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में वी वन वी टू ड्रॉ किया, अदरवाइज मैग्नीट्यूड मैंने हमेशा बताया था इसका क्या रखना है? सेम, क्योंकि वी आर स्टडिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो वेक्टर आता है ये वाला, ये डेल्टा वी वेक्टर आता है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? टुवर्ड्स सेंटर। और इसके अंदर ये जो स्मॉल एंगल यहाँ पर, अगर डेल्टा थीटा डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ जाने में, तो इनके बीच में एंगल भी क्या होगा? एग्जैक्टली डेल्टा थीटा ही होता है। तो कहने का मतलब कि ये अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये डायग्राम अलग बना लिया, ये डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, ये वी वेक्टर है, ये वी टू वेक्टर लिख लो, वी वन वेक्टर लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, सच दैट यहीं से देख लो डेल्टा थीटा इस सेक्टर के अंदर, डेल्टा थीटा क्या आएगा? डेल्टा वी का मॉड मैग्नीट्यूड में डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि एंगल इज आर्क बाय रेडियस इसमें भी लगेगा, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी का मॉड डिवाइडेड बाय वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी? वी इंटू डेल्टा थीटा। ठीक, डेल्टा वी अगर रिक्वायर होगा तो हम ऐसे पुट कर सकेंगे, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, देखो वी इंटू डेल्टा थीटा स्लाइड पे। ठीक, तो यहां से एंगल इज आर्क बाय रेडियस, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली वी ही रहेगा इसमें। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आपके पास डेल्टा वी का मॉड आ गया। अब मुझे पता है कि इसमें डेल्टा थीटा क्या होता है, पिछली स्लाइड में भी हमने यूज किया था, डेल्टा थीटा क्या था? ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और वी क्या होता है? आर ओमेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर, डेल्टा टी नीचे आएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता है? ए आर ओमेगा स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और यहां से ओमेगा को वी बाय आर पुट करेंगे तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट जो है, अगर मान लो मैंने बताया था कि अगर दो एक्सेलरेशन हैं, बॉडी की वैल्यू भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो इस केस में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट करती है? टूवर्ड्स सेंटर। और टेंजेंशियल कहाँ एक्ट करती है? अलॉन्ग टेंजेंट। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब आती है जब बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो, और अगर मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट हो वी का, फिर ए टी एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसे केस में क्या लिखी जाएगी? अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस ए टी। ठीक, यहाँ तक। नेक्स्ट जो है, सेंट्रिपिटल फोर्स मैंने बता दी, वो ये रिक्वायर्ड फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगी और बॉडी को सर्कल में घुमाएगी। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर है, या एम आर
ओमेगा स्क्वायर, ये हमने किया हुआ है। फिर हमने इसकी एप्लीकेशन की थी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में मान लो एक साइक्लिस्ट है और वो इस पे वर्टिकल बेंड हो चुका है एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है आर, जो भी नॉर्मल रिएक्शन है थीटा एंड थीटा, कैन बी रिजॉल्व इन टू टू कॉम्पोनेंट्स आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, और बॉडी का वेट कितना है एम जी। तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा एम जी, और आर साइन थीटा यहाँ सेंटर होगा सर्कल का, विल एक्ट लाइक सेंट्रिपिटल। तो इसलिए दो इक्वेशन बनेगी आर कॉस थीटा एम जी और आर साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर। इन्हें डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी या वी इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा। ठीक उसी तरीके से मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल किया था, एक बॉडी वर्टिकल घूम रही है, लोएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वी वन है, वेट एम जी है, हाईएस्ट पॉइंट पर वी टू है, इसका वेट नीचे की तरफ एम जी है। टेंशन की बात करते हैं तो नीचे टेंशन टी वन है, ऊपर टेंशन टी टू है, तो यहाँ इस बॉडी के पास सेंट्रीपिटल है, तो इक्वेशन बनेगी टी वन माइनस एम जी इज एम वी वन स्क्वायर बाय आर, और इसके लिए टी टू प्लस एम जी इज एम वी टू स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपके पास, दो इक्वेशन आएंगी। पर मिनिमम के केस में हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन हम क्या लेते हैं टी टू जीरो, टी टू जीरो लेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है वहां से आपके पास जब टी टू को जीरो पुट करेंगे, जीरो एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल, किसकी वैल्यू आ जाएगी वी टू की, वी टू की वैल्यू रूट आर जी आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन, इसको ग्राउंड मानते हुए पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर सिर्फ कानेटिक होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर, यहाँ पर कानेटिक होगी हाफ एम वी टू स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल होगी एम जी इंटू टू आर, आर प्लस आर डिस्टेंस क्या हो जाएगा टू आर। तो एनर्जी कंजर्वेशन लोएस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर, वी टू की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है पीछे से रूट आर जी, पुट करोगे तो वी वन आएगा अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी। तो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटीज आ जाएंगी, मिनिमम वेलोसिटीज रिक्वायर्ड। बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स हमने किया हुआ है, ये ट्रैक है, इसको बैंक किया एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये कार है, ये एम जी, नॉर्मल रिएक्शन आर, और अगर ये थीटा तो यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट्स हैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये साइक्लिस्ट वाला केस बन गया, आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी और आर साइन थीटा विल एक्ट लाइक सेंट्रिपिटल। तो दो इक्वेशन बनेगी आर कॉस थीटा एम जी आर साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर, इन्हें डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा की वैल्यू फिर से एक बार वी स्क्वायर बाई आर जी या वी इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा। ठीक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होती है, तो वैल्यू इसकी सेंट्रीपिटल के इक्वल होती है। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल एक पॉइंट पर एक्ट नहीं करते, एक पॉइंट मीन इकट्ठे एक्ट नहीं करते, पॉइंट तो वही है, इकट्ठे एक्ट नहीं करते। तो एक जैसे ड्रम है, ड्रम के पास सेंट्रीपिटल है पर उसके अंदर जो मैन है उसके पास सेंट्रीफ्यूगल है, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं और डिफरेंट इकट्ठी एक बॉडी पे एक्ट नहीं करती। ठीक वैल्यू इनकी सेम रहेगी। व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, एक राउंड अबाउट के आसपास अगर कोई कार जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ, फ्रिक्शन ही उसको घुमाएगी, बिना फ्रिक्शन के गाड़ी घूम नहीं पाएगी। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी टूअर्ड सेंटर, तो एफ वन प्लस एफ टू आर रेडियस में घूम रहे हैं एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स आर वन म्यू टाइम्स आर टू और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन टोटल जो आर वन प्लस आर टू होएगा वो वेट ऑफ बॉडी के इक्वल होगा, नॉर्मल रिएक्शन दोनों मिला के दोनों टायर्स का या चारों टायर्स का एम जी, एम सी एम कैंसल, तो म्यू इज वी स्क्वायर बाई आर जी या वी इज इक्वल टू म्यू आर जी। तो व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न में आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। ठीक तो ये सर्कुलर मोशन का एक्सप्रेशन है।